वीडियो देख रहे सारे भैन भरावों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। पेश करदे आं अज 3 मार्च 2023 दीआं वड्डीआं खबरां। सोना सस्ता, जमीन ते सरकार दा वड्डा ऐलान, हजार हजार रुपए शुरू, औरतां नूं दो खुशखबरियां। हाँ जी दोस्तों, इन्हां मुख खबरां उत्ते विस्तार दे नाल चानण पावांगे इस पूरी वीडियो दे विच। पूरी वीडियो दे विच बने रहना तां जो तुहानूं सारी खबरां दी जानकारी हो सके। सो वीडियो शुरू करने तो पहले निक्की जी बेनती कि चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना ते बैल आइकन दे बटन दबा के ओल ते जरूर प्रेस कर देना। तो पेश करदे आं विस्तार दे नाल अज दीआं खबरां। सोना होया सस्ता है, किन्नी डिग्गी कीमत, देखो सब इस खबर दे विच। वपारियों ने अपने सौदियां दे आकार नूं घटा के वीरवार नूं फ्यूचर व्यापार दे विच सोना 51 रुपए डिग के 55,779 रुपए प्रति 10 ग्राम ते आ गया। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ते अप्रैल दे विच डिलीवरी लई सोने दा सौदा 11,125 रुपए दे विच कारोबार दे विच 51 रुपए जां 0.09% दी गिरावट दे नाल 55,779 रुपए प्रति 10 ग्राम ते बंद होया। लुधियाणा, मंगेतर दे लखां लवा कनेडा गई कुड़ी मुकरी, मंगेतर ने टैंकी चढ़ कीता हंगामा। जिला कचहरी च बने जल विभाग च उस समय हफड़ा तपड़ी मच गई जदों एक नौजवान पुलिस वालों कार्रवाई ना करन दे कारण पानी वाली टैंकी दे उत्ते चढ़ गया। जानकारी अनुसार नौजवान वालों शिकायत दर्ज करवाई गई सी कि मंगनी करवा के खर्चा करके विदेश भेजी लड़की कनेडा जाके ब्याह करवाउण तों मुकर गई, जिसनों लैके लगातार चक्कर लगाउण दे बावजूद भी पुलिस प्रशासन वालों कार्रवाई नहीं की गई। नौजवान टैंकी उपर चढ़ गया अते इंसाफ की मंग कर रहा है। मुलाजमान नूं होली तो पहला तोहफा, सरकार वालों 17% तनखा वधाउण दा ऐलान। कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों लई खुशखबरी, दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री बसवराज दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री ने होली तो पहला सूबे के लखां मुलाजमान के पैंशनर नूं वड्डा तोहफा दिता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि असी अंतरिम राहत वजो सरकारी मुलाजमान लई 17% तनखा वादे का ऐलान किया है। 8 मार्च को राजस्थान रोडवेज मुफ्त सफर कर सकनगियां औरतां। कौमांतरी महिला दिवस मौके पर 8 मार्च को औरतां अते लड़कियां राजस्थान रोडवेज दियां बसां दे विच मुफ्त सफर कर सकनगियां। यह सहूलत राजस्थान रोडवेज की सारिया बसों के उपलब्ध होगी। एक अधिकारिक बयान मुताबिक कौमांतरी महिला दिवस मौके लगभग 8.5 लाख औरतों वालों राजस्थान रोडवेज दियां बसों के सफर करने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वालों तजवीज़ नूं मंजूरी दे दी गई है। गहलोत वालों औरतों लई राजस्थान रोडवेज दियां साधारण बसों में किराए च रियायत वधा के 50% करने की तरजीह दी है। पंजाब के GST कलैक्शन 12% का वाधा। पंजाब दे फरवरी 2023 दे विच 1,651 करोड़ रुपए का GST हासिल कर बीते साल दे इस महीने दे मुकाबले 12% वाधा दर्ज किया गया है। बीते साल फरवरी महीने दे विच पंजाब ने 1,480 करोड़ रुपए का GST मालिया हासिल किया सी। पंजाब दे नाल ही हरियाणा 23% वाधे दे नाल फरवरी महीने दे विच 7,310 करोड़ रुपए का मालिया हासिल करन दे विच सफल रहा है, जबकि फरवरी 2022 दे विच हरियाणा ने 928 करोड़ का GST मालिया हासिल किया। इस दे नाल ही हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ ने GST वसूली के 5% वाधा किया है। रिश्वत मामले च गिरफ्तार विधायक अमित रतन नूं 16 मार्च तक पटियाला जेल भेजा। रिश्वत मामले विच फड़े गए आम आदमी पार्टी के बठिंडा दिहाती तो विधायक अमित रतन नूं 16 मार्च तक जुडिशियल रिमांड से पटियाला जेल भेजा गया है। विजिलेंस वालों आम आदमी पार्टी के MLA अमृत रतन नूं दलजीत कौर की अदालत पेश किया गया, जिथे अदालत ने अमित रतन नूं 16 मार्च तक जुडिशियल रिमांड पर भेज दिता है। विधायक अमित रतन की तरफों पेश हुए वकील ने दसाया कि विजिलेंस की तरफों मेरे क्लाइंट नूं तंग परेशान किया जा रहा है, वह बेगुनाह है ते कुछ भी MLA तो बरामद नहीं होया। उन्होंने दसाया कि 2 बारी पुलिस रिमांड दौरान ते मेरी तरफों जज साहब के कोलों अपील की गई सी कि MLA नूं बठिंडा जेल ना भेजा जाए क्योंकि उत्थे गैंगस्टर बंद हैं ते मेरे क्लाइंट नूं खतरा है। इसलिए जज साहब ने MLA नूं 16 मार्च तक पटियाला केंद्रीय जेल भेज दिता है।
वारस पंजाब दे मुखी अमृतपाल दी जान नू खतरा। वारस पंजाब दे मुखी अमृतपाल दी जान नू खतरे होण दी खबर सामने आई है। सूत्रां तों मिली जानकारी मुताबक खुफिया एजेंसियां ने पंजाब पुलिस नू अलर्ट कर दिता है। अमृतपाल ते जानलेवा हमला हो सकता है। दसिया जा रहा कि पंजाब दी शांति भंग करन दी कोई वड्डी साजिश होण दा खदशा है। सूत्रां तों भी यह जानकारी मिली है कि इस दी सूचना पंजाब पुलिस ने दे दित्ती गई है। अमृतपाल अपने विवादित बयानों कारण चर्चा में रहता है। अजे कुछ दिन पहले ही अजनाला विच वापरी घटना तो बाद उसनू लेके माहौल गर्मा गया है। तुहानू दस दिए कि अमृतपाल अपने समर्थकों की रिहाई लई धरना देंदे हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू अजनाला थाने लेके गए सी। 31 मार्च तक जमीन जायदाद की रजिस्ट्रेशन करवाउण वालियां नू नहीं देनी पवेगी 2.25% स्टैंप ड्यूटी अते फीस। जिम्पा माल मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार ने 1 मार्च तो 31 मार्च 2023 तक स्टैंप ड्यूटी दे विच फीस विच कुल 2.25% की कटौती कर दी है। तफसील विच जानकारी दिंदिया जिम्पा ने दस्सिया है कि किसी भी तरह की जमीन जायदाद की रजिस्ट्री करवाउण लई हुण 1% एडिशनल स्टैंप ड्यूटी 1% PIDB फीस 0.25% स्पैशल फीस विच कटौती की गई है। उन्होंने दस्सिया कि इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया है। हुण शमशान घाटा तो ही मिलेगा डैथ सर्टिफिकेट। जलंधर नगर निगम ने बनाई यह योजना। डैथ सर्टिफिकेट लई हुण लोकां नगर निगम के चक्कर लगाउण की लोड़ नहीं पवेगी क्योंकि हुण यह डैथ सर्टिफिकेट उन्हां शमशान घाटा तो ही मिलेगा जिथे मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल यह सहूलत शहर के 4 शमशान घाटा के ही नगर निगम वालों प्रदान की गई है जिन्होंने कोट किशन चंद मॉडल टाउन शमशान घाट हरनामदासपुरा शमशान भूमि BSF चौंक नेड़े अमर बाग शमशान घाट शामिल हैं। बाकियों में यह अजिही सहूलत हजे पड़ाव के प्रदान की जाएगी। जिक्रयोग है कि जदों किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार संपन्न होता है तो संबंधित शमशान घाट के रजिस्टर विच उस नाल संबंधित एंट्री की जाती है जिथे मृतक एंट्री करवाने वाले का आधार कार्ड भी लिया जाता है और लकड़ी आदि के खर्चे की पर्ची भी दी जाती है। हुण इन्हां शमशान घाटा के ही कंप्यूटर राही ये सारे दस्तावेज उस समय पंजाब सरकार की ई सेवा पोर्टल से अपलोड कर दिए जाएंगे जो ऑनलाइन ढंग नाल ही निगम अधिकारियों या रजिस्ट्रार कोल पहुँचणगे जो उन्होंने पास करनगे। डैथ सर्टिफिकेट आदि की कॉपी भी शमशान घाट के कंप्यूटर तो ही कढ़ी जा सकेगी। इस दे लई कंप्यूटर अते होर साधन दा शमशान घाट संचालित कर रही कमेटियां दे ही होणगे पर इस दे नाल संबंधित स्टाफ नू नगर निगम अधिकारियों वालों ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। सरकारी पोर्टल ते दस्तावेज अपलोड करन दे लई लॉगिन वर्गी प्रक्रिया लई इजाजत चंडीगढ़ तो मंगी जा चुकी है अते 1-2 दिन दे विच ही यह काम शुरू कर दिता जाएगा। बजट सैशन नूं ग्रीन सिग्नल मिलने मगरों एक्शन मोड से भगवंत मान सरकार औरतों के खातों से आउणगे 1,000 रुपये। सुप्रीम कोर्ट के दखल नाल बजट सैशन नूं हरी झंडी मिलने मगरों पंजाब सरकार बजट दीयां तैयारियां दे विच जुट गई है। बजट सैशन 3 मार्च तो शुरू होगा पर पंजाब सरकार 10 मार्च नूं बजट पेश करेगी। इस बार सब दीयां नज़रां बजट उत्ते हन क्योंकि बजट बनाउण तो पहलां पंजाब सरकार ने वख-वख वर्गां दे सुझाव लए हन। हुण वेखना होगा कि पंजाब सरकार जनता के सुभाव नूं बजट दे विच किन्ना कु शामिल करती है। इस बजट तो सब तो वड्डी उम्मीद औरतां नूं है। पंजाब सरकार राज दीयां औरतां ते लड़कियां दे बैंक खात्यां दे विच 1,000-1,000 रुपये जमा करवाउण दा अपना वादा पूरा कर सकती है। इस बजट विच औरतां नूं लड़कियां इस बजट सैशन दे विच औरतां ते लड़कियां नूं 1,000 रुपये देण तो इलावा पंजाब सरकार सूबे दे कई विकास कार्य ते होर अहम ऐलान भी कर सकती है। मेघालय दीयां 35 सीटां ते नतीजे जारी। मेघालय दीयां 35 सीटां लई नतीजे जारी कर दिते गए हन। इत्थे NPP ने 13 सीटां जीतियां हन। इस तों इलावा UDP इत्थे दूजी सब तों वड्डी पार्टी बणदी दिखाई दे रही है। पार्टी इत्थे 9 सीटां जीतण विच कामयाब रही है। हाँ जी दोस्तों ये अज 3 मार्च 2023 दियां वड्डियां खबरां। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो नू लाइक ते चैनल नू सब्सक्राइब करना ना भुलना। मिलते हैं नवी वीडियो नवी जानकारी लैके। धन्यवाद।